मंत्री ने हिमाचल को निवेश के लिए उत्कृष्ट केंद्र विकसित करने पर राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास पर उद्योग जगत के हितधारकों, निवेशकों और व्यापारिक घरानों के संचालकों के साथ आज यहां आयोजित संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 20 से 26 सितंबर 2021 के सप्ताह को वाणिज्य सप्ताह के रूप में आयोजित किया जा रहा है ताकि देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को मनाया जा सके। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को निवेशकों के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार की पहल को सराहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेशक मित्र पारिस्थितिक तंत्र है और निवेशकों के साथ बेहतर औद्योगिक संबंध स्थापित हैं। व्यापार में सुगमता की दिशा में भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश सरकार हिमाचल को देश के निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 7-8 नवंबर 2019 को धर्मशाला में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 96,000 करोड़ निवेश के लिए 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। प्रदेश सरकार ने एक और आगे कदम बढ़ाते हुए सम्मेलन के 2 महीनों के अंदर लगभग 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी आयोजित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लिए चिकित्सा उपकरण पार्क स्वीकृत करवाने में सफल रही है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश के विकास में उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। उन्होंने निवेशकों से राज्य में निवेश करने और प्रदेश के विकास का भागीदार बनने का आग्रह किया। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक घरानों और निवेशकों के साथ हमेशा मधुर संबंध बनाए रखे हैं। राज्य में निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण है, जो यहां निवेशकों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार यहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की, जिसके परिणाम स्वरूप करोड़ों रुपए का निवेश आकर्षित हुआ। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में शुरू की गई औद्योगिक विकास योजना को 2022 के बाद भी जारी रखा जाना चाहिए, ताकि प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिल सके। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डी धीमान ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। वर्धन समूह के सचिव जैन, बीबीएनआई के अध्यक्ष संजय खुराना, सुनील तनेजा, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के राजेश गुप्ता, सीआईआई हिमाचल चैप्टर के अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल, मोपिन लैब्स लिमिटेड के संजय सूरी, ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज के मनोज शर्मा व आशीष, हाइडल सेक्टर के आर के वर्मा, स्टॉटक्राफ्ट के विपिन गर्ग व राहुल सहित राजीव शर्मा और राजीव अग्रवाल ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री के समक्ष अपने विचार रखे। इन कार्यक्रमों के दौरान मिली आज निर्यातकों के साथ भी वाणिज्य सप्ताह के तहत बहुत विस्तार से चर्चा हुई। कई सारे अच्छे सुझाव आए, कई सारे बातें मैं उनको बता पाया। उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए मिलता रहेगा, ये मैं उम्मीद के साथ अब वापस लौटूंगा। शिमला से ब्यूरो चीफ अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट।